सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर से एक आप बीती सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, लेकिन के भेजने वाले ने कहा है कि मुझे उस आश्रम से खतरा हो सकता है, इसलिए आप मेरे नाम और पता और बाकी चीज़ों को बिल्कुल ही गोपनीय रखें, ईमेल आईडी भी ना दीजिए। तो ठीक है, आपकी बात को मानते हुए मैं इस कहानी को आपके शब्दों में पढ़ूंगा और मैं कुछ भी नहीं किसी को बता रहा हूँ, केवल दर्शकों का इससे मनोरंजन होगा और सीख पूरी तरह से हासिल होगी कि इस तरह की आश्रमों से बचना चाहिए और कैसे आपकी जिंदगी में जो है आप स्वयं ही अपने गुरु बनिए और इन चीज़ों से बचकर रहिए। तो चलिए मैं आपके शब्दों में शुरू करता हूँ। दुनिया जो है चमत्कारों के पीछे भागती है, लेकिन चमत्कार कैसे होते हैं समझती नहीं है। इस चक्कर में बहुत सा आर्थिक और दैहिक शोषण ऐसे कई लोग कर लेते हैं। मैं आज कहानी सुना रहा हूँ। पानीपत हरियाणा के पास एक गांव में एक विधवा शकुंतला देवी रहती थी। उनका जीविकोपार्जन अपने पति की पेंशन से ही होता था। जानकी देवी एक गौरवर्णी और आकर्षक व्यक्तित्व की महिला थी। दूसरी महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा बातूनी थी। खुद को बहुत सभ्य और समझदार महिला भी समझती थी। वो अक्सर अपने शरीर की बीमारियों से हमेशा दुखी रहती थी। उनके जो बड़े बेटे थे अनुज, इनको भी एक टीवी की नाम की बीमारी हो गई थी। अपनी इकलौती बेटी पूजा की शादी वो कर चुकी थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही धार्मिक किस्म की महिला बचपन से ही थी और बिना नहाए खाना नहीं बनाती थी और बिना पूजा अर्चना किए भोजन भी नहीं करती थी। नल को तो वो बार बार धोकर ही पानी निकालती थी और कभी भी रखे हुए बासी पानी और भोजन को नहीं खाती थी। उसी गांव में एक लड़का था मनोज, और उसके मालिक जो थे वो परमानंद जी महाराज थे और वो यहाँ पर भजन कीर्तन में ढोलक बजाया करता था। परमानंद जी महाराज का आश्रम मैनपुरी के एक गांव के पास में था। जब मनोज ने शकुंतला देवी को अपने गुरु परमानंद की चमत्कार के विषय में समझाया, तो शकुंतला जी के मन में भी एक विचार आया कि वो गुरु परमानंद जी के पास जाएं और अपनी जो है दीक्षा लेकर के अपने कष्टों का निवारण कराएं। मनोज ने पहले ही शकुंतला देवी के घर परिवार के बारे में गुरुजी को पूरी तरह से बता दिया। और ज़्यादातर ये होता भी है कि जो बीच के ब्रोकर होते हैं इन ऐसे मामलों में, वो आप हमेशा जान लीजिए कि पहले ही सारी बातें बता देंगे जाकर के अपने गुरु को, जो ढोंगी गुरु होते हैं, ताकि जब उनके पास व्यक्ति जाता है तो जब पहले से ही कई सालों के जवाब दे देते हैं उन्हें, तो व्यक्ति को लगता है कि ये पहुँचा हुआ सिद्ध व्यक्ति है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इनके साथ भी वही हुआ। अब जब शकुंतला जी मनोज के साथ आश्रम में परमान जी के पास गईं, तो गुरु ने समझ ही लिया कि मनोज हमारे लिए एक नया बकरा फंसा कर लाया है। उन्होंने अनजान बनने की एक्टिंग शुरू कर दी और कई बातें उनके बारे में बताईं, जिससे वो खुश हो गए। नमस्कार प्रणाम होने के बाद परमानंद जी ने शकुंतला जीवी और मनोज को जो है अलग बैठने के लिए कहा। फिर शकुंतला देवी ने जीवन के सुख दुख के बारे में वो कुछ बातें बताने लगी। उसने कहा कि शकुंतला जी, आप सही समय पर हमारे पास आई हो और अब आपके कष्टों को हम जल्दी ही दूर कर देंगे। आपके घर पर कई बुरी आत्माओं का निवास है, वो आपके शरीर में भी रहती है। जल्द ही हम एक अनुष्ठान में आपकी इस शरीर से उसे बाहर निकाल देंगे। परमानंद जी ने शकुंतला देवी को सबसे पहले दीक्षा दी, जिसके बाद शकुंतला देवी ने बाबा को 10,000 रुपये दक्षिणा के रूप में दिए। सौभाग्यवश कुछ दिनों में उनका जो है जो स्वास्थ्य जो गिर रहा था शकुंतला देवी का, उसमें भी सुधार आ गया।
और उनके प्रति श्रद्धा इनके मन में बढ़ गई अपने गुरु के प्रति। अब तो उन्होंने अपने बड़े बेटे नमेश को भी गुरु परमानंद जी को 10,000 रुपये की दक्षिणा देकर दीक्षा दिलवा दी, लेकिन उनके बेटे के स्वास्थ्य में कुछ भी सुधार नहीं आया। उनका बेटा अपने गुरु परमानंद जी के आश्रम को छोड़कर घर पर ही आ गया, लेकिन शकुंतला देवी वही आश्रम में गुरु जी के पास रुक गई। अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए अपने देवर के उम्र के गुरु की सेवा करने लगी। हालांकि वो एक विधवा थी, इसलिए अपने पति की कमी उनको खलती थी। अब इसको उनका उस गुरु के प्रति विपरीत दिन का आकर्षण समझिए या कुछ और, शकुंतला देवी भी परमानंद जी के प्रति आकर्षित होती चली गई। आश्रम के नियमानुसार महाराज अपनी महिला भक्तों के साथ ही लेटा करते थे। अपने अगल बगल परमानंद जी जवान महिला भक्तों को लिटाते थे और उसके बाद उम्र दराज महिलाओं को लिटाते थे। बीमार शकुंतला देवी को परमानंद जी ने बताया कि किसी महिला के शरीर में वास कर रही बुरी आत्मा को निकालने के लिए मैं उसके शरीर में अपने शरीर की पूर्ण शक्ति का प्रवेश कराता हूँ। पूर्ण शक्ति के प्रभाव से बुरी आत्माएं उस शरीर महिला के शरीर को दोबारा वापस नहीं आ सकती, बशर्ते वो किया गया कर्म गोपनीय रखा जाए। अब शकुंतला देवी को लगा कि उम्र दराज हैं तो गुरुजी अपनी पूर्ण शक्ति से मेरे शरीर में भी अवश्य ही इस शक्ति को भेज देंगे। उनको लगने लगा कि परमानंद जी के संपर्क में आने से उनके कष्ट सदा के लिए खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो दिन रात परमानंद जी की शारीरिक सेवा करने लगी। कभी उनके पैर दबाती, कभी उनके शरीर की मालिश भी कर देती। इस तरह शकुंतला देवी पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा करती रही। सौभाग्यवश या दुर्भाग्य से कहिए कि एक दिन शाम को युवा सेविका को अपने घर वापस जाना पड़ा, तो उस रात शकुंतला जी अपने गुरु जी के पास वाले पलंग पर लेटने का अवसर मिल गया। जब रात्रि में सभी लाइटें बंद कर देने के बाद सभी महिलाएं और युवतियां खर्राटे मारकर सो रही थीं, तभी शकुंतला देवी ने अपने शरीर पर कुछ हलचल महसूस की और फिर उन्होंने अपने शरीर पर कुछ दबाव भी महसूस किया। उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि कोई बुरी नीयत से उनके पास आ चुका है। उन्होंने कपड़ों और दाढ़ी और पगड़ी से ये अंदाजा तो लगा लिया कि वो पुरुष कोई और नहीं परमानंद जी ही हैं। अब उन्होंने ये कन्फर्म करने के लिए धीरे से कहा, गुरुजी आप? तो गुरु ने भी कहा, हाँ शकुंतला देवी मैं ही हूँ आपका गुरु, लेकिन आप चुपचाप रहें, आज आपके शरीर से दुष्ट आत्माओं को निकालकर पूर्ण शक्ति का प्रवेश करूँगा। शकुंतला जी तो थी ही भक्ति भाव में, उन्होंने अपने शरीर एक पत्नी की तरह अपने गुरु को सौंप दिया। अंत में जब परमानंद जी का अनुष्ठान खत्म हुआ तो उन्होंने शकुंतला देवी से ये बातें गुप्त रखने को कहा और कहा कि यदि वो ऐसा नहीं करेंगी तो बड़े मृत्यु बेटे की मृत्यु भी हो जाएगी। अब शकुंतला जी पूर्ण श्रद्धा से परमानंद जी को समर्पित हो चुकी थी। उनकी हम उम्र सहेली विनीता दीदी भी जान चुकी थी कि शकुंतला का भी मेरी तरह ही अनुष्ठान हो चुका है। अब वो दोनों आपस में घुल मिल गईं। बातों बातों में ही शकुंतला देवी को भी पता चला कि विधवा विनीता दीदी के बेटों ने विनीता दीदी को घर से बाहर निकाल दिया है। उनके जेवर और पैसे विनीता दीदी ने परमानंद जी को दान कर दिए हैं। अब आश्रम में खाना बनवाने की जिम्मेदारी वही उठा रही हैं। परमानंद जी ने विनीता से कहा कि अब आप थोड़ा काम शकुंतला देवी जी को भी सौंप दे ताकि आपकी थकान कम हो सके। शकुंतला जी भी अब भी पूर्ण श्रद्धा से अपने महाराज की सेवा कर रही थी। एक दिन आश्रम में थोड़ी भीड़ कम थी, तब परमानंद जी ने सबके सामने शकुंतला को बुलाकर उनका हाल चाल पूछा तो शकुंतला जी ने भी सबको बताया कि अब मुझे गुरु जी के आश्रम में बहुत लाभ हो रहा है। और शकुंतला देवी बाद में उठकर अंदर चली गई। अब गुरु जी के ने अपना सत्संग खत्म किया और अंदर कमरे में जहाँ पर शकुंतला जी पहले ही साफ सफाई कर रही थी, शकुंतला जी के पास ही खड़े होकर परमानंद जी ने कहा कि अब आप अपनी जमीन जायदाद धन दौलत और का मोह जो है त्याग दो।
इसे दान करके हमेशा के लिए इस आश्रम में आप रहने लगी। शकुंतला जी को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने जमीन जायदाद को दान करने वाली बात अपने दामाद वैभव को बताई तो उनके दामाद ने उनको तुरंत ही वो आश्रम छोड़ने के लिए सलाह दे दी, क्योंकि शकुंतला देवी अपने दामाद पर पूरा भरोसा करती थी और सबसे ज़्यादा उनको ही अपना हितेशी मानती थी। इसलिए वो पैसा लेने लाने के बहाने आश्रम छोड़कर अपने घर पर आ गई। कुछ दिनों बाद वे पुनः आश्रम में चली आईं। अब उनकी जगह एक खूबसूरत महिला आश्रम की रसोई का देखभाल कर रही थी। शकुंतला देवी को लगा कि परमानंद जी उनकी तरफ कम ध्यान दे रहे हैं, तो उन्होंने परमानंद जी महाराज से अपनी गलती को जानना चाहा कि किस कारण से आपने मुझे रसोई की जिम्मेदारी से हटा दिया है। तब गुरुजी ने बताया कि आपने मेरी बात की अनदेखी की है, आपने अपने खेतों की रजिस्ट्री मेरे नाम नहीं की है, इसलिए मैं अभी आपसे नाराज हूँ। जिस दिन आप ये काम कर दोगी उसी दिन आपको इस आश्रम में राजमाता का दर्जा मिल जाएगा और सभी भक्त आपकी दिन रात सेवा करेंगे। अब शकुंतला देवी समझ चुकी थी कि परमानंद जी महाराज एक झूठा मक्कार और अय्याश ठग है जो सीधी सादी महिलाओं को अपने बातों के चक्रव्यूह में फंसाकर उनका शारीरिक और आर्थिक शोषण करता है। अब शकुंतला देवी दिन रात अपने गुरु की गतिविधियों पर नजर रखने लगी। एक दिन रात्रि में जब वो पेशाब करने के लिए उठी थी तो उनको गुरु जी के पलंग पर दिखाई नहीं पड़े। वो बाहर तीन अनजान व्यक्तियों से बातचीत कर रहे थे। जल्दी से जानकी देवी अपने जरूरी कार्य से निपटकर हाल में जाकर सोने का नाटक करने लगी। जल्दी से वो वापस आईं और अपने बिस्तर पे आकर के लेट गईं और सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी ही देर में वो तीनों व्यक्ति उस हाल में आए और अंधेरे में ही महाराज के पलंग के पास लेटी हुई जवान चेलियों के बिस्तर में घुसकर उनसे संबंध बनाने लगी। सभी युवतियां ये यही सोचकर उन व्यक्तियों के साथ अपना शरीर समर्पित कर रही होंगी कि आज उनके परमानंद जी महाराज उनके शरीर में पूर्ण शक्ति को प्रविष्ट करा रहे हैं। अब शकुंतला देवी अपने अतीत में ये सोचते हुए खो गईं कि उनके परमानंद जी महाराज जब उनके ऊपर अपने शरीर का वजन रखते थे तो किसी रात उनका वजन हल्का और किसी रात उनका वजन भारी क्यों हो जाता था। ऐसे बाबा की त्राढ़ी महसूस होती थी तो किसी रात उस बाबा की सफाचट क्यों नजर आती थी। उनको अब समझ में आ चुका था कि उनके साथ हर रात्रि अलग अलग मर्दों ने उनके शरीर का उपभोग किया है। अब शकुंतला देवी को साफ साफ समझ में आ गया था कि ये परमानंद एक भड़ुआ किस्म का व्यक्ति है और हम सब औरतों को वैश्या बना के रखता है। रात्रि में ग्राहकों को लाकर उनके लिए हम सभी सेविकाओं को परोसकर बदले में मोटी रकम ले लेता है। अब तो शकुंतला देवी इस नरक से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन परमानंद जी उनको आश्रम से बाहर नहीं जाने दे रहा था। परेशान होकर शकुंतला देवी ने अपने दामाद को फोन किया। तब दामाद ने परमानंद जी को पहले तो प्यार समझाया, जब वो नहीं माने तब उन्होंने पुलिस को लेकर आने की धमकी दी तो परमानंद तुरंत मान गया। अब शकुंतला देवी अपने गाँव आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने साथ घटित घटना किसी को भी नहीं बताई। जब दामाद और बेटी अपनी माँ शकुंतला देवी से मिलने आए तब बेटी ने कहा कि माँ जी हमें भी परमानंद जी महाराज से दीक्षा लेनी है, तो शकुंतला देवी बिफर बिफर कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि बेटी आश्रम में जाने से कोई फायदा नहीं है, परमानंद जी के आश्रम में बहुत गलत लोग आते हैं, इसलिए मैंने उस आश्रम को और परमानंद जी महाराज को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब वो मेरे गुरु नहीं है, मैं खुद ही अपनी गुरु बनूंगी और किसी भी तरह से अंधविश्वास और पाखंड में नहीं बटूंगी। जब मेरी बेटी से बात हुई तो उसने गहराई से पूछताछ पर शकुंतला देवी जी ने अपनी बेटी को यह बताया कि परमानंद जी महाराज अब तक कुल 60,000 रुपये दक्षिणा के रूप में उनसे प्राप्त कर चुके हैं और वो हमारी जमीन की रजिस्ट्री भी अपने नाम करवाने की कोशिश में लगे थे। बेटी ने कहा कि माँ जी चलो हम परमानंद बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे, तो शकुंतला ने कहा कि तमाम बातें खुल जाने का भय उसके मन में
आ गया है, इस वजह से परिवार की बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, इसलिए रिपोर्ट मत लिखाओ। अब शकुंतला देव ने मन में ठान चुकी थी अब किसी भी ढोंगी पाखंडी के झांसे में वो नहीं आएंगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने गांव के सभी लोगों को परमानंद के आश्रम के पीछे औरतों का धंधा करने वाली बात बता दी, ताकि दूसरी औरतों का उसी तरह से शोषण ना हो सके। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो परमानंद बाबा एक सड़क दुर्घटना में मारा गया है। कुछ साल बाद देवी ने अपनी कहानी अपनी बेटी पूजा को भी बता दी और अपनी बेटी को भी पाखंडियों से दूर रहने की सलाह दे दी, ताकि उनकी बेटी पूजा को भी कोई पाखंडी ठग कर अपने जाल में ना फंसा सके। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, बाकी आप समझ ही गए हो। तो बिल्कुल जी हाँ, ये कहानी लग रहा है कि पूरी तरह सच्ची है, क्योंकि आजकल बाबा लोग यही इसी तरह का धंधा चला रहे हैं और औरतों या स्त्रियों के नाम पर ज़्यादातर उन्हें पैसा भी बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि बड़े बड़े जो ठेकेदार नेता ये लोग पैसे दे करके नए नए औरतों और बच्चियों से जो है शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें बैठे बिठाए आश्रमों में ऐसी वैश्याओं के रूप में नई स्त्रियाँ मिल जाती हैं, तो ये बड़ी ही गंदगी समाज में फैली हुई है और बाबा लोग इसको इस तरह के गलत कामों को करते हैं, तो जो धर्म का तो नाम पूरी तरह से बदनाम कर ही रहे हैं। और हमारे देश में इतनी बुरी स्थिति पैदा हो जाती है कि अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कोई आश्रम या किसी गुरु के पास अगर हम जाकर दीक्षा शिक्षा लेना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरी रिसर्च कर लीजिए, पता लगा लीजिए कि क्या वो आदमी सही है कि नहीं है, उसके बाद ही उससे शिक्षा या दीक्षा लीजिए। क्योंकि वो दीक्षा लेना तो जरूरी इसलिए भी होता है कि आप इसके माध्यम से एक आध्यात्मिक परिवार से जुड़ जाते हैं, लेकिन ऐसी दीक्षा का क्या अर्थ है जो आपके जीवन को उल्टा नरक बना दे और आप पापों में ज़्यादा बंध जाएं। तो जो भी कीजिए अपनी सोच समझ से कीजिए और बचते हुए कीजिए, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति अच्छा नहीं है, कुछ लोगों ने तो इसे धंधा ही बना दिया है। अगर ये कहानी और जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।